ये जो हमारा ब्रेन है कितना पावरफुल है, कितना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, कितना खतरनाक है, आज की इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको जिससे आपको ये एहसास होगा कि आप अपने बुद्धि के दम पे क्या कुछ कर सकते हैं और अपनी बुद्धि की वजह से ही क्या कुछ बर्बाद कर ले रहे हैं। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, आज से कुछ 60 बरस पहले यूएसए में, अमेरिका में एक रिसर्च हुआ साइकोलॉजी में। एक अपराधी था जिसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। उसने एक गंभीर अपराध किया था जिसकी वजह से उसका मरना तय था, ठीक है। फिर मनोविज्ञान के जो डॉक्टर्स होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि भाई देखो ऐसा है, इस पर एक रिसर्च करना चाहते हैं हम। ह्यूमन राइट्स वाले सामने आ गए कि भाई उसे मौत की सज़ा मिली, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर रिसर्च करो। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा प्यारा सा रिसर्च करना है जिसमें इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं देनी है, लेकिन अगर ये रिसर्च फेल हो जाता है तो इन्हें मुक्त कर दिया जाए, मतलब कि इनकी सज़ा ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर ये रिसर्च पूरा हो गया तो जो काम गवर्नमेंट को तकलीफ़ दे के करनी थी वो बिना तकलीफ़ के हो जाएगी। ये क्या था, आगे समझाता हूँ। इसको सज़ा दी गई थी मौत की, तो जो उनकी सज़ा है उसे कुछ ऐसा किया गया कि तुम्हें मौत सांप के काटने से दी जाएगी, तुमको सांप काटेगा और सांप के जहर से तुम मरोगे, ये सजा उसे सुनाई गई। वो तो अपराधी था, उसको तो कबूल करना ही था, वो तो कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ दिन उसे रखा गया, उसे मालूम था कि अब कुछ ही दिनों में उसे मरना है। अब इन कुछ दिनों में, क्योंकि उसे मालूम है कि वो उसे मरना है, वो अंदर ही अंदर डल होता गया, मौत के लिए प्रिपेयर होता गया। अब आया उसकी सजा का दिन, जिस दिन उसे एक्चुअली सांप के डंक से मारा जाएगा। उसकी आंखें पट्टी बांधी गई, उसे उस चैम्बर में लेके गया जहाँ सांप लेके आएंगे और जिस उस सांप से उसे मारेंगे। उसे बैठाया गया और आप हैरान हो जाएंगे आगे क्या हुआ। कुछ नहीं, 2-3 रिसर्चर्स, उसकी आंखें पट्टी, उसे बता दिया गया कि भाई अब थोड़ी देर में आपके साथ ये हो जाना है। अब वो मानता है, उसको मालूम है कि अब ये होने वाला है। और एक रस्सी, चिकनी सी रस्सी उसके हाथ पैर में इस तरह से चलाई गई, उसे एहसास हुआ कि बस सांप को लेके आ गया है। और 2 छोटे छोटे नीडल उसके पैर में चुभा दिए गए, बिल्कुल वैसे जैसे सांप काटता है। और उस अपराधी को, उस इंसान को छोड़ दिया गया। थोड़ी देर में उसे पसीने आने लगे, वो कांपने लगा, वो घबराने लगा, उसकी हालत खराब होने लगी, वो डर से चीखने लगा, रोने लगा। और थोड़ी ही देर के बाद उसकी मौत हो गई। विदिन 10 से 15 मिनट में वो मर गया। आंख में पट्टी बना था, पट्टी की मर गया। सबको लगा, देखने वालों को ये लगा कि इसे डेफिनेटली साइकोलॉजिकली हार्ट अटैक आया है। ये डर गया, इसको मालूम था कि सांप काटा है तो ये हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन हैरानी की बात क्या है पता है, वो हार्ट अटैक से नहीं मरा। जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई तो उसमें साफ क्लियर ये दिखाया गया कि वो जहर से मरा है। हार्ट अटैक, हार्ट बंद होने से पहले उसके शरीर में जहर फैल चुका था। अब ये शरीर, ये जहर कौन सा था, उसकी बॉडी का अपना बनाया हुआ जहर, अपना टॉक्सिन, खुद का टॉक्सिन। जो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, ये वही टॉक्सिन्स थे जो उसके पूरे बॉडी में फैल गए और उसका बॉडी मर गया। अब हैरानी की बात यह है, सांप तो था नहीं, ना ही जहर था, शरीर में जहर कैसे फैला? क्योंकि यही ताकत है हमारी बुद्धि की। जब हमने मान लिया, जब हमें मालूम चल गया, हमने स्वीकार कर लिया कि हमें सांप ने काट दिया, अब तो मैं मरूंगा, तो आपके शरीर ने वैसा ही रिस्पॉन्स किया जैसा आपके ब्रेन ने उसे कहा कि हाँ अब तुम मरेगा। अब क्योंकि शरीर बेहद डर गया, बेहद घबरा गया, बहुत उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा पेन के बाद मरने वाला है, तो ब्रेन ने क्या किया, तुरंत शरीर में जहर को दौड़ा दिया और जहर से उसकी इमिडिएटली मौत हो गई। हमारा ब्रेन हमारे शरीर को बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करता है जैसे इस शरीर के लिए सही है। हमारा ब्रेन अपने शरीर को बचाने की भंसक प्रयास करता है, और अगर वो उसे ना बचा पाए तो उसे एटलीस्ट दर्द से, पेन से बचाने की कोशिश करता है। अक्सर आपने देखा होगा कोई भयानक दृश्य देखते हुए, कोई मारकाट देखते हुए लोगों को चक्कर आ जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं। हम डॉक्टर्स भी जब हॉस्पिटल्स में, जब जूनियर होते हैं, नए नए पढ़ाई करने के लिए गए होते हैं, चीर फाड़ देखते हैं तो हमें चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारा दिमाग उस पेन से हमें बचाना चाहता है, इसलिए वो हैंग हो जाता है, वो ब्लैंक हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। इसीलिए बिल्कुल ऐसे ही सांप काट चुका है, अब उसके अंदर जो भयंकर डर, साइकोलॉजिकल पेन फैल चुका है, या तो दिमाग उसे बेहोश कर सकता था या तो मार सकता था, लेकिन क्योंकि वो बंदा मान चुका है कि अब वो मरेगा, इसलिए उसके ब्रेन ने उसके साथ वैसे ही किया जैसा उसने मान लिया था। अब मुद्दा ये है कि इस कहानी से हमें क्या समझना है। समझना ये है कि अगर हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि वो अपने शरीर को मार भी सकता है, तो सोचो हमारा ब्रेन कितना पावरफुल हो सकता है कि वो हमारे शरीर को पता नहीं क्या क्या कर सकता है, जैसे कि शरीर को बीमारी से बाहर निकालना, बुढ़ापे से जवानी की तरफ लेकर के जाना, शरीर को मस्कुलर बनाना, बॉडी बिल्डर बनाना, मोटा होना, पतला होना, फिट होना, खूबसूरत होना, सब कुछ सिर्फ एक बिलीव सिस्टम की वजह से, सिर्फ एक माइंड सेट की वजह से। आपने अपने बिलीव सिस्टम को, अपने बिलीव सिस्टम को अगर किसी एक जगह पे केंद्रित कर दिया, वो कुछ ही दिनों में आपके बिलीव का हिस्सा बन जाएगा, आपके माइंड सेट का हिस्सा बन जाएगा। और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा ब्रेन में किसी भी चीज़ को पेस्ट करके, प्लांट करके, इम्प्लांट करके। और वो इम्प्लांट कैसे? ब्रेन की एक लैंग्वेज जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ वो ये है रिपीटेशन। जब भी आप किसी चीज़ को रिपीटेटेड फॉर्म में करते जाएंगे, वो चीज़ ब्रेन में डलती जाएगी, वो चीज़ ब्रेन में डलती जाएगी। कुछ टाइम बाद ब्रेन सवाल करना बंद कर देता है, चाहे वो लॉजिकल हो या इनलॉजिकल। कुछ टाइम के बाद ब्रेन उसे मान लेता है कि ये सच है। मतलब कि अगर आप अपने आप से हर दम ये कहें कि मैं हैंडसम होता जा रहा हूँ, आप कुछ ही महीनों में हैंडसम हो जाएंगे। आप अपने आप से ये बताएंगे कि मैं फिट और मस्कुलर होता जा रहा हूँ, आप मस्कुलर होते जाएंगे। अगर आप धीरे धीरे ये मान लेंगे कि मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मेरी IQ कमज़ोर होती जा रही है, मैं बेवकूफ़ बनता जा रहा हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल कुछ ही महीनों में वैसे हो जाएंगे। कुछ महीने तो लगेंगे, ये नहीं कि आज आपने सोचा। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि 2-3 दिन एक बार थॉट्स को सोचते हैं, अफर्मेट करते हैं खुद को, और 3-4 दिन भूल जाते हैं। यहाँ चाहिए एकाग्रता, फोकस, एक विचारवाद, किसी एक चीज़ पर अपना कंप्लीट फोकस अगले 1-3 महीनों के लिए, और फिर देखिएगा रिजल्ट कैसे आता है। ब्रेन अपने डर की वजह से शरीर को मार सकता है, तो अपनी खुशी की वजह से शरीर के साथ क्या क्या नहीं कर सकता, और अपने आसपास क्या क्या नहीं कर सकता, लोग अपनी सोच के दम पे क्या क्या कर गए। आशा करता हूँ बुद्धि की ये ताकत आपको समझ में आई होगी। आने वाले वीडियो पे हम अपने दिमाग के बारे में और बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, बहुत सारी कहानियों के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को समझेंगे, और इसी से जागेगी हमारे अंदर एक उम्मीद। उम्मीद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। नमस्ते अजी।